हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर पहली बार एक साथ मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर की अपकमिंग फिल्म दोस्ताना 2 में नजर आने वाले हैं। दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे पर धमाल मचाते देखने के लिए फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संकट छाया हुआ है और इसी महामारी से बचने के लिए बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटी अपने अपने घरों में फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं। हालांकि में कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर फेस ऐप एज फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए पिछले साल रिलीज हुई फिल्म पति पत्नी और ओ फिल्म के किरदार चिंटू त्यागी की एक तस्वीर शेयर की है। कार्तिक आर्यन ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैंस के बीच शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, गैजिंग ग्रेसफुली इन लॉकडाउन, चलिए अब बागबान को रिमिक करते हैं। हीरोइन के रोल के लिए कास्टिंग शुरू है, प्लीज़ अपनी एंट्री भेजें। कार्तिक ने अपनी तस्वीर में ओल्ड एज फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए चुटकी ली है कि वो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टार रवि चोपड़ा की फिल्म ड्रामा फिल्म बागबान में रिमेक में एक्टिंग करने के लिए तैयार है। खैर, कार्तिक आर्यन ने खुद भी नहीं ये सोचा होगा कि एक्ट्रेस की तलाश की उनके विचार को इतनी गंभीरता से लिया जाने वाला है, क्योंकि जाह्नवी कपूर और भूमि पेडनेकर ने इस फिल्म में रीमेक के लिए आवेदन भेज भी दिया है। जाह्नवी कपूर ने कमेंट में लिखा है, मैं अपनी एंट्री भेज रही हूँ, आशा है कि इसमें पार्ट लेने के लिए ज़्यादा ओल्ड नहीं हूँ, मैं कतन कर सकती हूँ, मेरे पास वैलिड पासपोर्ट भी है। जाह्नवी के कमेंट पर कार्तिक ने रिप्लाई करते हुए कहा है, क्या आपके पास चीनी वीज़ा है, क्योंकि इसका सेट चाइना में है। बता देते हैं कि कार्तिक आर्यन इस समय अपनी आने वाली फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर काफ़ी बिजी चल रहे हैं। अनीस बज्मी की इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ गुड न्यूज़ की एक्ट्रेस कियारा अडवाणी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। फिल्म की शुरुआत तो बड़े ही जोरों शोरों से हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते इसे बीच में ही रोकना पड़ा।